नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके एजुकेटर मेघा शर्मा और आप देख रहे हैं पिनाकल करियर इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज आपके लिए मैं कुछ स्पेशल, कुछ खास लेकर आई हूं। एक ऐसा टॉपिक जो आपसे मध्य प्रदेश के सारे एग्जाम्स में पूछा ही जाता है कि ये मंत्रालय किसको बिलोंग करता है या ये मंत्री का संबंध किस मंत्रालय से है या किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से है। तो एक नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सभी एग्जाम में आता है, चाहे आप व्यापम का पेपर दें, IMPPSC का पेपर दें, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और ये अगर आज आप देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आप अपना एक नंबर सिक्योर जरूर करेंगे। तो एक नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है हमारे लिए, तो प्लीज वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले मंत्री की तरफ। और ये हमारे सबसे पहले मंत्री वर्तमान में जो हमारे चीफ मिनिस्टर भी है, यानी शिवराज सिंह चौहान जी, इनके पास जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एविएशन और ऐसा कोई डिपार्टमेंट जो किसी मंत्री को अलॉट नहीं होता वो हमारे चीफ मिनिस्टर को दिया जाता है। श्री जयंत वलैया हमारे अगले मिनिस्टर हैं जो हमारे वर्तमान फाइनेंस एंड कमर्शियल टैक्सेस मिनिस्टर में आते हैं। ये इंदौर और कटनी से संबंधित हैं। हमारे तीसरे मिनिस्टर हैं श्री गोपाल भार्गव जी और इनका संबंध है पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट से। और ये सोशल जस्टिस और डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो वेलफेयर होता है इस मंत्रालय को भी हैंडल कर रहे हैं, ये भोपाल से संबंधित हैं। हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर नाम है डॉक्टर गौरी शंकर श्रीजवार जी, जो फॉरेस्ट प्लानिंग, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी मंत्रालय को हैंडल कर रहे हैं। इनका संबंध है जबलपुर से। श्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है जो कि वाटर रिसोर्सेस यानी जल प्रबंधन, पब्लिक रिलेशंस और पार्लियामेंट्री अफेयर को हैंडल कर रहे हैं और ये रीवा से संबंधित हैं। श्री कुसुम मेहदले जी हमारी नेक्स्ट मिनिस्टर है जिनका नाम है श्री कुसुम, सुश्री कुसुम मेहदले जी और ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से संबंधित हैं। ये दमोह छतरपुर से संबंध रखती हैं। हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है श्री कुंवर विजय शाह जी, जो स्कूल एजुकेशन से संबंधित हैं और ये खरगोन कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। बढ़ते हमारी अगली स्लाइड पर, जहाँ पे हमारे पहले मिनिस्टर है गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन जी, जो फार्मर वेलफेयर और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से संबंधित हैं और इनका अगर हम विधानसभा क्षेत्र देखें तो ग्वालियर छिंदवाड़ा आता है। श्री रुस्तम सिंह जी जो कि हमारे पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, ये शिवपुरी टीकमगढ़ से संबंधित हैं। श्री ओम प्रकाश दुर्वे जी जो कि फूड यानी खाद्य, सिविल सप्लाइज और कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कि जो हमारे उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय है उसको हैंडल करते ओम प्रकाश दुर्वे जी, जो कि उमरिया सतना से आते हैं। श्री उमा शंकर गुप्ता जी ये हमारे वर्तमान में रेवेन्यू, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को हैंडल कर रहे हैं। इनका संबंध सागर और भिंड कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता है। नेक्स्ट है हमारी श्रीमती अर्चना चिटनिस जी, जो वर्तमान में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को हैंडल कर रही है, ये बंसौर नीमच से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारी श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, जो वर्तमान में खेल, युवा कल्याण, रिलीजियस ट्रस्ट और एंडाउमेंट को हैंडल कर रही हैं। इनका संबंध है राजगढ़ से। बढ़ते हमारे अगली स्लाइड पर, जहाँ पे हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर श्री प्रसाद, श्री पारस चंद्र जैन जी, पारस चंद्र जैन जी जो कि हमारे ऊर्जा यानी एनर्जी मिनिस्टर हैं और ये खंडवा बुरहानपुर से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारे राजेंद्र शुक्ला जी, जिनका संबंध है मिनरल रिसोर्सेज से, इंडस्ट्री पॉलिसी यानी कि औद्योगिक नीति, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एवं ओवरसीज इंडियन से, ये शहडोल सिंगरौली से संबंधित है। हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर हैं श्री अंतर सिंह आर्य जी, जो कि एनिमल हस्बेंड्री, जेल एनवायरनमेंट और फिशरमैन यानी जो हमारे जेल वाला मंत्रालय है, जो एनिमल हस्बेंड्री वाला मंत्रालय है, जो हमारे फिशरीज वाला यानी मत्स्य पालन वाला मंत्रालय है उसका वेलफेयर, उसका डेवलपमेंट और मछुआरों के वेलफेयर के लिए जो मंत्री बनाए गए मध्य प्रदेश में, वो है अंतर सिंह आर्य जी और ये संबंधित है धार से। नेक्स्ट है श्री रामपाल सिंह, जिनका संबंध है पब्लिक वर्क से, लॉ एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स से और ये नरसिंहपुर सीहोर से संबंधित हैं। नेक्स्ट है श्रीमती माया सिंह जी, जो वर्तमान में अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्ट्री की इंचार्ज है और ये दतिया क्षेत्र से आती हैं। श्री भूपेंद्र सिंह मिनिस्टर हैं हमारे अगले, जो कि होम यानी गृह मंत्रालय और ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन मंत्रालय को हैंडल कर रहे हैं और ये उज्जैन विदिशा से संबंध रखते हैं। हमारे अगले मिनिस्टर हैं श्री जयभान सिंह पवैया जी, जो हायर एजुकेशन, पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट, पब्लिक ग्रीवियंसेस रिड्रेसल को हैंडल कर रहे हैं और ये गुना अशोक नगर से संबंधित हैं। हमारे अगले मिनिस्टर जो है कैबिनेट में अंतिम मिनिस्टर हैं, ये श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, जो कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को हैंडल कर रहे हैं
और ये श्योपुर कला मुरैना से संबंधित है। अब हमारे स्टेट मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर में एक और पार्ट है, कैबिनेट में स्टेट मिनिस्टर, और ये है सबसे पहले श्री दीपक जोशी जी, जो वर्तमान में टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और स्कूल एजुकेशन को हैंडल कर रहे हैं इंडिपेंडेंट चार्जेस के अंतर्गत, जो कि शाजापुर और रतलाम से संबंधित है। श्री लाल सिंह आर्या जी हमारी जो नर्मदा वैली डेवलपमेंट है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, और एविएशन वाला मंत्रालय जो हैप्पीनेस मंत्रालय, जो मध्य प्रदेश शुरू करने वाला पहला राज्य भी है। ट्राइबल अफेयर्स यानी जनजातीय मामले, शेड्यूल कास्ट और वेलफेयर डेवलपमेंट, ये सब लाल सिंह आर्य जी के अंडर आता है और ये बैतूल से संबंधित है। नेक्स्ट है श्री शरद जैन जी, और शरद जैन जी का संबंध है मेडिकल एजुकेशन से इंडिपेंडेंट चार्जेस में। ये पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और पार्लियामेंट्री अफेयर्स को भी हैंडल कर रहे हैं। ये बालाघाट सियोनी से संबंधित है। श्री सुरेंद्र पटवा जी, ऑलराइट, सुरेंद्र पटवा जी जो है वो हमारे कल्चर टूरिज्म के इंडिपेंडेंट चार्जेस को हैंडल कर रहे हैं और ये देवास आगर से संबंध रखते हैं। हमारे अगले मिनिस्टर इस स्लाइड पर हर्ष सिंह जी जो हैं वो वाटर रिसोर्सेज को हैंडल कर रहे हैं और इनका संबंध है सीधी से। हमारे अगले स्लाइड पर जो सबसे पहले है वो है श्री संजय सतेंद्र पाठक जी, जो कि हमारा जो एमएसएमई मंत्रालय है यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस उसे हैंडल कर रहे हैं। हायर एजुकेशन, सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय एवं डिसेबल्ड पर्सन वेलफेयर को ये हैंडल कर रहे हैं और ये मंडला अनूपपुर से आते हैं। हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है ललिता यादव जी, जो कि बैकवर्ड क्लास माइनॉरिटी वेलफेयर और डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेम नोमैडिक ट्राइब वेलफेयर को हैंडल कर रही है। इसी के साथ ही वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में इंडिपेंडेंट चार्जेस के अंतर्गत है और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पन्ना। श्री विश्वास सारंग जी जो कॉरपोरेशन भोपाल गैस ट्रेजेडी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन को हैंडल कर रहे हैं, इसी के साथ ये पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट में इंडिपेंडेंट चार्जेस के अंतर्गत भी हैं। ये झाबुआ से संबंधित है। श्री सूर्य प्रकाश मीना जी ये हॉर्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग को हैंडल कर रहे हैं और फॉरेस्ट भी इंडिपेंडेंट चार्जेस में एक पार्ट है, ये रायसेन से संबंधित है। हमारे अगले मिनिस्टर हैं बालकृष्ण पाटीदार जी, जो कि लेबर फार्मर वेलफेयर और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को हैंडल कर रहे हैं और इनका संबंध है बडवानी अलीराजपुर से। हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है जालम सिंह पटेल जी, जो कि आयुष कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्री पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और होशंगाबाद हरदा से संबंधित हैं। ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण कैबिनेट मिनिस्टर और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक